नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काय में आप सभी का स्वागत है। कांधे पर कावड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे, नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवाधिदेव शिव के समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जातियों, सब संप्रदायों और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। बच्चे भी हैं, किशोर भी और युवा अधेड़ भी, स्त्री भी पुरुष भी, सब शामिल। हर हर बम बम बोल बम के साथ भोले बाबा की जय जयकार करता ये जन समूह स्फूर्त होकर सावन का महीना शुरू होते ही कंधे में कांवड़ लटकाए निकल पड़ता है। सबकी एक ही जाति है, कांवड़िया। जो भी कांवड़ यात्रा का यात्री है वो इस भक्ति अभियान में सिर्फ कांवड़िया है और कुछ नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या करें तो ये जीव का ब्रह्म से मिलन है। क ब्रह्म का रूप है और अवर जीवन के लिए प्रयुक्त होता है। क में अवर की संधि करेंगे तो कावर बनेगा। यही कावर उच्चारण दोष के कारण पहले कावर और फिर कावड़ बन गया। दरअसल कावड़िया शिव भक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करने के बहाने तीनों देवों यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना का फल पाना चाहता है। कांवड़ के ये घट दोनों ब्रह्मा विष्णु का रूप धरे, बांस की लंबी बल्ली में है रुद्रदेव साकार भरे। शिव की भक्ति की शक्ति कितनी अपार है, ये 15 दिनों तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा के अपार उत्साह और संयम को देखकर पता चल ही जाता है। इस यात्रा में गरीबों की अधिक भागीदारी देखकर लगता है कि शिव भोले भंडारी हैं। वो सबका ध्यान रखते हैं, वो औघड़ दानी है और उनकी भक्ति सबसे सस्ती है। बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। जल चढ़ाओ और मनोकामना पूरी करो। शिव पर जल चढ़ाने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत पीछे की ओर निहारते चले जाएं तो निगाह देवासुर संग्राम पर आकर टिकती है। सागर मंथन की कथा के एक प्रसंग में कांवड़ के आगमन का ज्ञान होता है। कहते हैं सागर मंथन से निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी था। बाकी चीजों पर तो सुर असुर ने लेन देन में सहमति कर ली, किंतु हलाहल का क्या हो। अंततः ये देवों के हिस्से में आया तो इसे कौन संभाले, कौन पिए, कौन धारण करे। हलाहल की ज्वाला की लपटें अपनी तीक्ष्णता दिखाने लगी। विष्णु तो इसमें ऐसे झुलसे कि उनके चेहरे का रंग ही काला पड़ गया और उन्हें श्याम सुंदर नाम दिया गया। ऋषिकेश के आग्रह पर भोले बाबा ने हलाहल को ले लिया और जब वो उसे गटक ही रहे थे कि पार्वती ने टोका टोकी कर दी और वो कंठ में ही अटक गया। शिव को नया नाम मिल गया, नील कंठ। महाभयंकर विष को कंठ में धारण कर शिव छटपटाने लगे और तन मन को शांत करने के लिए हिमालय की ओर भागे। उधर देवों की सेना भी मटकी में जल भर भर कर शिव को शांत करने में जुट गई। कितना जल चढ़ा होगा इसका तो अनुमान नहीं। कितने दिनों में वो शांत हुए होंगे ये भी पता नहीं। पता तो ये भी नहीं कि उनके भीतर हलाहल की भयंकर ज्वाला अभी भी शांत हुई कि नहीं। पर शिव भक्तों की शिव पर जल चढ़ाने की ये परंपरा आज भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।